नमस्कार दोस्तों दोस्तों बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में तिरसठ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में पांच सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं बारह लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए निषाद पार्टी और सुभाषपा में अब सीटों को लेकर पेंच फसता हुआ नजर आ रहा है दरअसल बीजेपी ने संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी को एक सीट दी लेकिन सिंबल नहीं दिया वो सीट है संत कबीर नगर की और वहां संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है जबकि ओम प्रकाश राजभर को घोसी की सीट दी गई है और घोसी की सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को प्रत्याशी बनाया है तो फिर पेच कहां पर है दरअसल दिक्कत यह है कि ओम प्रकाश राजभर अब दो सीटें दिए जाने का दबाव बना रहे हैं और संजय निषाद अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने पर अड़ गए हैं दोस्तों बीजेपी ने रायबरेली प्रयागराज फिरोजाबाद कौशाम्बी गाजीपुर मैनपुरी कैसरगंज मछली शहर और फूलपुर सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है और इन सीटों पर ज्यादातर बीजेपी के सांसद हैं अब बीजेपी ने जो सर्वे कराया है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि इन सीटों पर व्यक्तिगत कारण और जातिगत समीकरणों को ध्यान रखा जाए यानी इन सीटों पर उम्मीदवारों को बदला जाना चाहिए दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चार सहयोगी पार्टियां हैं जिसमें जैन चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है जिसको बिजनौर और बागपत की सीट दे दी गई है अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट दी गई लेकिन अब संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों और संगठन के लोगों से मुलाकात करके अपनी मांग रख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जब से गठबंधन में लौटे तब से लगातार वो ये कह रहे थे कि उनको उत्तर प्रदेश में दो सीटें मिलेंगी वो सीटें घोसी होंगी और सलेमपुर और बलिया होगी घोसी तो उनको मिल गई लेकिन जब पहली सूची आई तो पहली ही सूची में बीजेपी ने सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट दे दिया और ओम प्रकाश राजभर रविंद्र कुशवाहा का विरोध करते भी नजर आए थे अब सुभाषपा के खाते में आई सिर्फ घोसी की सीट लेकिन अब राजभर बलिया की सीट को लेकर दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और संजय निषाद भदोही की सीट मांग रहे हैं दरअसल संजय निषाद का यह कहना है कि जब जयंत चौधरी अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर इन तीनों ही गठबंधन सहयोगियों को अपने सिंबल पर प्रत्याशी खड़ा करने के लिए कह दिया गया तो क्या निषाद पार्टी सबसे कमजोर है जो अपने सिंबल पर प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकती इसलिए अब हमको भदोही की सीट भी चाहिए संजय निषाद भदोही जौनपुर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर इन सीटों पर दावेदारी कर रहे थे लेकिन बीजेपी ने पहली ही सूची में जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को टिकट दे दिया प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को प्रत्याशी बना दिया और जब दूसरी सूची जारी की तो उसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दे दिया अब बची है भदोही की सीट जिसे संजय निषाद मांग रहे हैं और फिलहाल उस सीट पर बीजेपी के ही रमेश चंद्र बिंद सांसद हैं अब यही वजह है कि संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर दोनों लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं किसी भी तरीके से एक एक सीट बढ़ जाए अपने सिंबल पर संजय निषाद चुनाव लड़ा लें और पेच अब यहीं पर फंस गया है दरअसल दोस्तों अगर वोटर्स की बात करें तो भदोही जिले में जो निषाद वोटर्स है वो तकरीबन साढ़े तीन लाख के आसपास है और बलिया की सीट जिसे ओम प्रकाश राजभर मांग रहे हैं वहां पर राजभर वोटर्स लगभग लगभग ढाई लाख के आसपास है तो ऐसे में ये दोनों सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये गठबंधन के जो सहयोगी नेता हैं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों का कहना है कि हमारा मान सम्मान तो सुरक्षित रखा ही जाना चाहिए यानी बीजेपी में एक बार फिर से सीटों को लेकर अंतर कलह मच गई है और जो सीटें बाकी हैं उनमें भी कैसरगंज की सीट है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की सियासी भविष्य का फैसला होना है जिसमें रीता बहुगुणा जोशी का भविष्य तय होना है और ये भी तय होना है कि गाजीपुर में चुनाव कौन लड़ेगा बीजेपी लगातार मंथन कर रही है लेकिन इन बारह सीटों पर कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा पहले सीटों पर टिकट को लेकर माथा पच्ची चल रही थी और अब राजभर और संजय निषाद इन दोनों ने बीजेपी की टेंशन को और बढ़ा दिया है